तो दोस्तों जब भी आप ग्रेनेरो का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस करते हैं तो उसके साथ एक वारंटी कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है और इस वारंटी कार्ड में पूरा इंफॉर्मेशन देखने मिल जाता है, जिसमें फ्रंट में आपको एक ईमेल आईडी देखने मिलेगा और साथ में यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे कार्ड देखने मिल रहा है, इस कार्ड को आपको रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और वो भी कब करना है, जब प्रोडक्ट आपको भी परचेस करते हैं उसके 30 दिन के अंदर में जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा तभी आपका एक साल का यहां पे वारंटी क्लेम एक्टिव होगा। अब यहां पे पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि 30 डेज के अंदर में आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। साथ में पूरा इंफॉर्मेशन आपको पीछे मिल जाएगा वारंटी सर्विस के बारे में, एक्टिवेशन प्रोसेस के बारे में, कि जब तक आप मेल नहीं कीजिएगा आपका एक्टिवेशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट होने वाला है। यहां पे वारंटी सर्विस के बारे में बताया गया है कि आप जैसे यहां पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा तो एक साल का जो वारंटी है वो आपका यहां पे एक्टिव हो जाएगा, और उसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई इशू आता है, तो ये जो प्रोडक्ट है आपका यहाँ पे रिपेयर नहीं होगा, डायरेक्ट आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। और उसके अलावा नॉन वारंटी के बारे में बताया गया है कि आपके प्रोडक्ट में या कोई स्क्रैच आ जाता है या मान लीजिए कि गिर जाता है, वैसे सिचुएशन में आप यहाँ पे वारंटी इस प्रोडक्ट का नहीं ले सकते। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो आपको यहाँ पे वारंटी कार्ड मिला है, इस वारंटी कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन के प्रोसेस को कैसे आप कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट है, या कोई भी शॉपिंग साइट से ऑर्डर करके आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया है, तो उसका जो इनवॉइस होता है उस इनवॉइस को आपको यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना है, या आपके पास जो पेपर आया है वो पेपर आप निकाल लीजिएगा इनवॉइस का, और इनवॉइस देखिएगा तो उसमें आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर देखने मिलेगा, ऑर्डर का डेट मिल जाएगा, इनवॉइस नंबर मिल जाता है, इनवॉइस का डेट आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए सबसे पहले इनवॉइस को आप यहाँ पे डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करें, अपना जो ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कंपोज में जाना है, और कंपोज में जाने के बाद सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेना है। अब सब्जेक्ट आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ नजर आपको आ रहा होगा वारंटी सर्विस एंड रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन, तो इस चीज को आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में बना लेना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में दे लेना है। और ईमेल आईडी के बारे में बात करें तो 2 में आपको जो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है वो ईमेल आईडी डालना है greenarrow@outlook.com, ये आपको ईमेल आईडी देखने मिलेगा, इसको फिलअप कर लेना है। कंपोज वाले ऑप्शन में जाना है, और कंपोज वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिख लेना है, उसका ऑर्डर डेट को आपको फिलअप कर लेना है जो आपको इनवॉइस में देखने मिल जाएगा। यूजर नेम में जिस नाम से बिलिंग किया गया है जो आपके नाम है वो नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके अलावा आपका जो फोन नंबर है वो फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे डाल लीजिएगा, और अल्टरनेट अगर आपको कोई ईमेल आईडी डालना है तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या जो भी आप यहाँ पे जिससे ईमेल कर रहे हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना। तो चलिए ये पूरी चीज को मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल चीज को यहाँ पे फिलअप कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं greenarrow@outlook.com, इस प्रकार से आपको ईमेल लिख लेना है, और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में वारंटी सर्विस रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन ये आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख लेना है, परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर डेट, यूजर नेम, फोन नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक कीजिएगा, सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सेंड वाले मेल में देख लेना है कि आपका सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सेंड कर लीजिएगा, सेंड करने के बाद आपको कुछ दिन के बाद एक रिप्लाई आएगा। देन दोस्तों कुछ समय के बाद ग्रेनेरो की तरफ से आपको एक मेल आ जाएगा, और जिसमें आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ नजर आएगा, और यहां पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन वारंटी सर्विस जो प्रोडक्ट है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एक साल के अंदर में जो भी इशू आता है वो आप यहां पे क्लेम कीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट यहां पे रिप्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।